Hey, what's up you guys? अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रायन ली ओ'मैली के स्कॉट पिलग्रिम इस ग्राफिक नॉवेल सीरीज के बारे में। स्कॉट पिलग्रिम अगर आपको पता नहीं होगा तो एक बहुत बड़ी कल्ट क्लासिक ग्राफिक नॉवेल सीरीज है और इसको और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जब इसके ऊपर एडगर राइट की 2010 में फिल्म आई थी स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड, और जिसमें माइकल सेरा और मेरी एलिजाबेथ विंस्टेड मुख्य किरदार प्ले करते हैं। तो हाँ, तो ये मेरी काफ़ी फेवरेट फिल्म है और ये मेरी काफ़ी फेवरेट कॉमिक बुक सीरीज भी है, और अभी इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स एडप्टेशन आने वाला है एनीमे फॉर्म में, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ स्कॉट पिलग्रिम एनीमे को लेकर। तो मैंने सोचा कि उसका 2-3 दिन पहले एक ट्रेलर आया था, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो क्या है स्कॉट पिलग्रिम? तो स्कॉट पिलग्रिम 2004 टू 2010 में सीरियलाइज की गई थी 6 वॉल्यूम्स में, और जब उसके ओरिजिनल रन में तो ये ब्लैक एंड वाइट कॉमिक बुक सीरीज थी, ग्राफिक नॉवेल सीरीज थी, बट बाद में इसको पूरी तरीके से कलर फॉर्म में लाया गया। मेरे पास जो है वो सभी कलर एडिशंस है, हार्ड कवर एडिशंस, और मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट दैट दिस होल सीरीज डिजर्व एंड इट हैज़ गॉट। तो आपको अगर इसे कंज्यूम करना है तो इसी फॉर्म में कीजिए, कलराइज फॉर्म में कीजिए। तो सबसे पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो स्कॉट पिलग्रिम जो है, इस स्कॉट पिलग्रिम नाम के टिटुलियर कैरेक्टर की स्टोरी है। स्कॉट 23 साल का एक लड़का है, उसके कुछ ट्रेट्स में बताऊँगा। एक तो वो वॉलफ्लावर है, उसके बाद ईगोमेनियक है, उसके बाद बहुत स्कैंडलस है, और उस बहुत सेल्फिश है जो दूसरे लोगों को अपने खुद के कामों के लिए यूज़ करता है। उसको बिल्कुल भी सेल्फ अवेयरनेस नहीं है और वो खुद के ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। और उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है एक दूसरी लड़की के साथ, प्लस वो एक रॉकस्टार भी है। एक 17 साल की लड़की को, हाई स्कूलर को, अभी वो डेट कर रहा है 23 साल का होकर भी, जो एथिकली रॉन्ग है, जस्ट टू फील हिज पावर। मतलब कि एक पावर फैंटेसी है, मेल पावर फैंटेसी अगर हम कहें तो स्कॉट पिलग्रिम। और कुछ दिनों बाद उसे एक लड़की मिलती है, रमोना फ्लावर्स, जो उसी की तरह सेल्फिश है और दूसरे लोगों को एज अ टूल यूज़ करती है, पर साथ ही में वो एक मैनिक पिक्सी ड्रीम गर्ल फैंटेसी टाइप लड़की है जिसको हर कोई अपने लाइफ में चाहता है। आप में हर एक मेल की वो एक फैंटेसी रहती है कि ऐसी एक लड़की को डेट करना, और स्कॉट को भी वो फैंटेसी रहती है, और वो इन्फैचुएट हो जाता है जब वो उसे देखता है पहली बार, रमोना फ्लावर्स को तभी। और ये पूरी स्टोरी ऐसी है कि अभी स्कॉट को रमोना को डेट करना है, बट रमोना की बैक स्टोरी ये है कि उसके 7 evil ex-boyfriends है जिनको डिफीट करना होगा स्कॉट को, और उनको डिफीट करने के बाद ही स्कॉट रमोना के साथ मतलब रह सकता है या फिर उसको पीसफुली डेट कर सकता है। तो किस तरह से स्कॉट इन 7 evil ex-boyfriends को डिफीट करता है, ये पूरी स्टोरी है इस बुक की। अगर सुपरफिशियली देखा जाए तो ये काफ़ी फन स्टोरी है, और मुझे भी यही लगा था जब मैंने पहली बार फिल्म देखी थी कि ये बहुत फन स्टोरी है, लाइक इट्स एन एडगर राइट फिल्म, तो इट्स स्टाइल ओवर सब्सटेंस। तो मुझे लगा था कि ये बहुत ही हल्की फुल्की स्टोरी है, बट ऐसा नहीं है। तो कॉमिक बहुत डीपर जाती है इस पूरी स्टोरी में। तो क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि हाँ, स्कॉट और रमोना जो है वो मेन कैरेक्टर्स तो है, और उनके जो भी दोस्त वगैरह है वो भी, मतलब एक पूरा ड्रामा है अर्ली यूथ के लोगों का, जो 25 से 30 साल के लड़के या 20 से 30 साल के लड़के लड़कियाँ, उनकी पूरी लाइफ, और किस तरह से हर एक कैरेक्टर फ्लॉड है, और किस तरीके से इन सबको रियलाइजेशन और एक्चुअलाइजेशन होता है कि उनके जितने भी फॉल्ट्स हैं, उनके जितने भी बर्डन्स हैं, या फिर जितना भी इमोशनल बैगेज वो लेके चल रहे हैं, वो सभी लोग लेके चलते हैं, और वो आपका एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता आपकी इमैच्योरिटी या आपके सेल्फिशनेस के लिए। तो इसमें यही दिखाया गया है कि किस तरीके से लोग अपने सेल्फिश डिज़ायर से और मतलब कि सेल्फ सेंटर और नार्सिसिज्म से बाहर निकलकर दूसरों को समझते हैं, दूसरों के लिए एम्पैथी सिंपैथी डेवलप करते हैं, इसकी पूरी स्टोरी है। और किस तरीके से रिलेशनशिप्स को हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से रोमांटिक हो या फ्रेंडशिप्स हो या
पेरेंट्स के साथ हो या किसी के भी साथ, रैंडम लोगों के साथ किस तरीके से आपको रहना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, ये पूरी ये स्टोरी है। पर इसे क्या बहुत स्पेशल बनाता है, तो इसको ये एडगर राइट की फिल्म की तरह ही बहुत स्टाइलिश कॉमिक बुक सीरीज है। तो इसमें बहुत से जैपनीज मांगा के जो स्टाइल्स रहती है उनसे इंस्पायर्ड है ये पूरी स्टोरी। और बेसिकली इसको ब्लैक एंड वाइट में पहले लाया गया था, तो ब्रायन ली ओ'मैली को बहुत इंस्पिरेशन मिली मांगा फॉर्मेट से। तो बहुत से स्टाइलिंग जो है मांगा की वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में इस वर्ल्ड में एक स्पेशलिटी और भी है कि इसमें मैजिक और फैंटेसी साइफाई एलिमेंट्स बहुत से यूज़ किए गए हैं, मतलब कि प्लेन ड्रामा सीरीज नहीं है। तो इसमें बेसिकली एक वीडियो गेम और साइफाई और ये सब अलग अलग चीज़ें जो हम लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है वो सब इसमें, और बहुत ही सरियल स्टोरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, और बहुत ही फनी है। तो इसका ह्यूमर मुझे लगा था कि अभी के टाइम पे काम नहीं करेगा, बट मैंने इसे पढ़ा और बहुत सिचुएशनल ह्यूमर है इसमें और वो डेफिनेटली काम करता है। और अगर आप फिल्म देखने के बाद इसे पढ़ोगे तो और भी मज़ा आता है। तो मैंने फिल्म देख के इसको फिर से रीरीड किया। तो ऐसी सब चीज़ें हैं इसमें। और बाकी आर्ट जो है, तो जैसे कि मैंने कहा कि जिसका आर्ट जो है वो, मतलब मेरे पास बहुत सी कॉमिक बुक्स हैं और हर एक में हर एक अलग अलग स्टाइल का आर्टवर्क रहता है। बट अगर मुझे काफ़ी सुंदर कलरफुल आर्ट कोई लगता है तो मुझे लगता है कि मेरे टॉप कॉमिक्स में ये आती है, स्कॉट पिलग्रिम, ऑफ कोर्स आफ्टर क्रिस वेयर्स वर्क। बट हाँ, ये बहुत ही कलर, मतलब कि इसके कलर्स बहुत कलरफुल मांगा है, कॉमिक है, और बहुत कलर इसके ऐसे उभर कर आते हैं और बहुत लाइवली और लाइट लगता है सब। और मतलब जब आप खुद इसे पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ इमेजेस डाल दूंगा इस वीडियो में, उससे आपको आइडिया आ जाएगा, बट मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें जिस तरीके से पैनलिंग का यूज़ किया है और जिस तरीके से सिंगल या टू पेज के स्प्लैश पेजेस और ये सब यूज़ किए हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट तरीके से यूज़ किए हैं। और बहुत कॉम्प्लेक्स आर्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है आर्ट की वो कलर लाता है, और जिस तरीके से बॉर्डर्स को ड्रॉ किया गया है, कैरेक्टर्स को और एनवायरनमेंट को, वो बहुत ब्यूटीफुली ड्रॉ किया गया है। तो इसकी सिंप्लिसिटी में भी काफ़ी, मतलब आप खो जाओगे जब आप इस बुक को पढ़ोगे। तो जैसे मैंने कहा कि इसको जो कलर ट्रीटमेंट की दी गई है बाद में वो काफ़ी बढ़िया है, ब्रिलियंट है। तो इसे कलर फॉर्मेट में ही आप कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ है कि इसको बीच में कैंसिल करने की कोशिश की गई थी। तो बेसिकली क्या है कि इसमें जो कैरेक्टर्स है वो बहुत फ्लॉड दिखाए गए हैं और लोगों को ऐसे लगता है कि उनको इन फ्लॉड कैरेक्टर्स को, जैसे कि रमोना और स्कॉट जो है, उनको एक हीरो की तरह दिखाया गया है और वो जो भी चीज़ें करते हैं वो एथिकली रॉन्ग है। बट कॉमिक इस इशू को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती है, मूवी में उस इशू को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया गया। तो लोगों को लगता है कि ये मेल ईगो का ग्लोरिफिकेशन है, एक पावर फैंटेसी का ग्लोरिफिकेशन है ये बुक। और किस तरीके से एक, मतलब मूवी में 25 साल का लड़का लड़कियों को यूज़ करता है ये सब उसमें दिखाया गया है, बट वैसा नहीं है। एक प्रोटैगोनिस्ट होना और एक हीरो होना काफ़ी अलग चीज़ है। इसमें स्कॉट सिर्फ एक प्रोटैगोनिस्ट है, वो हीरो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक फ्लॉड कैरेक्टर की और फ्लॉड कैरेक्टर्स की ये स्टोरी है। तो डेफिनेटली जिस एज में मैं हूँ, लाइक 26-27 की एज में जब आप इसे पढ़ते हो तो आप काफ़ी रिलेट कर पाते हो और आपको भी पता चलता है कि आप किस को क्या क्या गलत चीज़ें कर रहे हो अपने लाइफ में और किस तरीके से आपकी एक्शंस लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है मेंटली इमोशनली। तो मुझे लगता है कि सब ने इसे पढ़ना चाहिए, बट नॉट फॉर द डीपर पार्ट्स, बट स्टिल एज अ फन रीड इसे डेफिनेटली सब ने पढ़ना चाहिए। और इसके इसका वीडियो गेम भी है, वो मैंने अभी तक खेला नहीं हूँ, वो मुझे खेलना है, बट वो भी मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा है, तो आप उसे भी ट्राई कीजिए। और देखते हैं, नवंबर में एनीमे आने वाला है तो वो कैसा होगा देखते हैं। और उसमें मेन कास्ट जो है फिल्म की, वही उसे वॉइस करने वाली है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू हियर मेरी एलिजाबेथ विंस्टेड।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।